फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे, फॉर्म फिलअप का डेट प्रॉब्लम दे रखा है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी तरह से दिखा रहे हो कहाँ से क्या क्या कंट्रोल करते हैं। 40 से ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है बेसिकली हमारे जो कि एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स है, एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स आई मीन जिनका फाइनल एग्जाम होने वाला है, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अभी इज सपोज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, बट बिफोर दैट फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप में बहुत ज़्यादा झमेला हो रखा है, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमें अभी कॉलेज जाना पड़ रहा है ऑफलाइन। अभी मुझे अभी कॉलेज जाना है, एंड वो जो फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप में कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, इस वजह से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साइड में हमारा बेसिकली 3 पेपर है इस साल, तो इस सेमेस्टर में, तो वहाँ पे सिर्फ 2 पेपर्स दिखाए गए हैं एंड एक पेपर नहीं दिखाया गया जो कि प्रोजेक्ट है 300 मार्क्स का। ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का प्रॉब्लम हो रखा है, एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने फिलहाल सबका वाट लगा के रखा है कि फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे, फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म हो चुका है। एंड फिर से हमारा एक बात बता दूँ आपको, हमारा लास्ट डेट था 30 अगस्त, तो तब तक हमारा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ बिकॉज वो प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद में फिर से वो बंद हो गया फॉर्म फिलअप, तो उसके बाद में फिर से अभी खुला है, बट अभी वो हमारा पेपर नहीं दिखा रहा है। इस वजह से हमें अभी फिर से कॉलेज जाना होगा, कॉलेज में जाके ऑफलाइन प्रोसेसेस करना है। तो झमेला तो है, बिकॉज क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी घर में ही हैं, तो घर में होने के कारण वो लोग अभी कॉलेज नहीं आ सकते ऑफलाइन। तो और आपको मैं बता दूँ, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि एग्ज़ाम करेंगे ऑफलाइन, पता नहीं कैसे करेंगे। एंड इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे रखा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने कि हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम था, वो भी अभी तक करेक्शन होके आया नहीं है। और एक बात बता दूँ, 6th सेमेस्टर ख़त्म होने को है, फाइनल एग्जामिनेशन होने को है, हमारा ये 3 ईयर्स का डिग्री ख़त्म होने को है, बट अभी तक हमारा 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं निकला है। आप सोच सकते हो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं निकला है। तो आज हम मैं जा रहा हूँ बेसिकली कॉलेज, हमारा वो जो फॉर्म फिलअप का कुछ प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई करने के लिए। तो मैं आपको जाते जाते गुवाहाटी का शेयर भी कराऊंगा, गुवाहाटी का प्रेजेंट सिचुएशन भी दिखाऊंगा, बिकॉज बोला जा रहा है कि गुवाहाटी में फिर से लॉकडाउन होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा सड़कों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को मेरा कॉलेज भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा या फिर कुछ बढ़ेगा, उस वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सच्ची में गुवाहाटी का प्रेजेंट सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ, जो गुवाहाटी में नहीं है फिलहाल और जो आने की सोच रहे हैं या फिर नहीं आने की सोच रहे हैं, तो आप लोग पहले देख लीजिए गुवाहाटी का सिचुएशन क्या हो रहा है, फिर सोचिए आना है या नहीं आना है, वो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल कॉलेज, और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये अभी मैं फिलहाल डब कर रहा हूँ एक्चुअली, ये मैंने 2 हफ्ते पहले ये शूट किया था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस पर्टिकुलर वीडियो को रेडी करने के लिए, तो ये 2 हफ्ते पहले की चीज़ है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे अभी रस्ते सड़कों में अच्छी तरह से गाड़ी चल रहे हैं, हर तरफ गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से लोग भीतर छुपे हैं, ये नहीं है, बाहर निकले हुए हैं लोग, अपने काम कर रहे, ऐसा अभी तो ऐसा है ना कि अब काम तो होगा ही, इसके वजह से हम लोग कोरोना के वजह से घर में तो नहीं रह सकते, काम करना है, बिकॉज एसेंशियल चीज़ें तो करनी ही होंगे, और इसके वजह से हम लोग अपना काम नहीं रोक सकते। हाँ, पर मैं हमेशा ही जैसे बोलता हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बोलता हूँ कि आप लोगों को अपना सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना चाहिए। तो आप सबको मैं बता दूँ कि अभी फ़िलहाल जो गुवाहाटी का सिचुएशन है वो अभी बोला नॉर्मल हो चुका है, लोग निकल के आ रहे हैं, बिकॉज क्या है ना, अगर हमें बीमार होना है तो भीतर रह के भी हो सकता है, पर हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और हमारे जो एसेंशियल काम है वो करते रहना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा पेट का सवाल है, और पेट के लिए तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। देख सकते हो कि बेसिकली वृंदावन गार्डन है, जहाँ पे बेसिकली मैरिजेस सेरेमनी ये सब कुछ भी सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, हम लोग कभी कभार वहाँ पे जाते थे खाना खाने के लिए, एंड यहाँ पे मैंने कुछ खा लिया, एक्चुअली मैंने कुछ खाया नहीं था। बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि अक्सर हमारा जो पीजी में रहते हैं या फिर रेंट में रहते हैं वो अक्सर क्या करते हैं,
एक फ्रूटी या फिर माजा का बोतल उनका ब्रेकफास्ट होता है। तो ये जो हम आप लोग देख रही है ब्लॉग बी है हमारे कॉलेज का, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है BCA, और मैं इस पर्टिकुलर चीज को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बिकॉज अपना डिपार्टमेंट है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो ये हमारा ब्लॉक ए है। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारा AIMD चार ब्लॉक में डिवाइड हुआ है, चार डिपार्टमेंट्स। यानी मैंने आप अगर आपने मेरे AIMT के एक्सपीरियंस वाले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था दास्ता। तो आप देख सकते हैं ये दास्ता है, इज़ वेरी फेमस इन AIMT। सो ये हमारा एंट्रेंस है, और ये फिलहाल जिया, हेलो जिया, ये जिया है हम मेरी क्लासमेट। तो अभी हम मैं आपको मेरे कॉलेज के अंदर लेके जा रहा हूँ, फिलहाल रिसेप्शन है, एंड मैं अभी आपको मेरे कॉलेज के हमारे कॉलेज के बाकी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बेसिकली अभी फिलहाल हम लोग ब्लॉक ए में हैं, जो कि मेन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यहाँ पे सब कुछ काम यहीं से होते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या खुला है क्या क्या नहीं खुला, बिकॉज अभी तो बंद ही पड़ा है कॉलेज इस वजह से। तो अभी फिलहाल हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में बेसिकली लेबोरेटरी तक जा रहे हैं। आप लोगों को मैं अपना लेबोरेटरी दिखा रहा हूँ। हमारा लैब फिलहाल अभी बंद हो रखा है, यहाँ पे ताला लगाया है, बेसिकली आए नहीं हैं, जो कि हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सर देवजीत सर अभी तक आए नहीं हैं, इस वजह से भीतर नहीं घुस पाऊँगा। तो ये हमारा कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 कंप्यूटर्स हैं। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैंने बाद में कुछ वीडियोस है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, वो अंदर तक मैंने लेके गया हूँ। अच्छा देखते रहिए, ठीक है वीडियो को। और ये फिलहाल अभी हम लोग सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा सेमिनार हॉल, देखते रहिए, बंद पड़ा है। ओ अच्छा नहीं खुला है, अच्छा देखते हैं, चलते हैं। सो वेलकम टू AIMT। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्पीच, जो सभी ओरिएंटेशन में जो भी बैठते हैं इस सेमिनार हॉल में, जिन्हें सुनाई देता है, सभी एग्री करेंगे, जो भी एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फिलहाल पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता ही है। सो ये हमारा सेमिनार हॉल है, एंड इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी काफ़ी है। तो ये हमारा सेमिनार हॉल है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हमारा गेस्ट लेक्चर हो या फिर जितना भी हमारा ओकेजन्स हो, तो छोटे छोटे ओकेजन्स हम लोग सभी यहीं पर करते हैं। और एक बात आपको ऐड कर दूं कि यहाँ पे हमारा AC लगा है, तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग सेमिनार हॉल में बहाना बना के भी यहाँ पे रह जाते हैं। हमारे AC सेमिनार हॉल में है, लेबोरेटरी में, तो हम लोग ज़्यादातर लैब में ही रहते हैं। और ये जो पोडियम देख रहे हैं आप, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, यहीं पर खड़ा होकर स्पीच देता हूँ। तो AIMT में आके ना मुझे एक बात अच्छा हुआ है कि मेरा वो जो पब्लिक स्पीकिंग का फेयर था ना, वो निकल गया है इस वजह से। सो मुझे बहुत सारे एडवांटेज मिले हैं। हमारा लाइब्रेरी है बेसिकली, फिलहाल लाइब्रेरी सर नहीं है, मुझे बाद में पकड़ेंगे, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बेसिकली हमारा लाइब्रेरी एंड ज़्यादा बड़ा लाइब्रेरी नहीं है, बट फिर भी काफ़ी है, जितने भी सारे चीज़ चाहिए है सभी चीज़ें हैं। और एक चीज़ अच्छा है कि हमारा दो लाइब्रेरी है, एक ब्लॉक ए में है और एक ब्लॉक सी में है, जो कि रास्ते के उस पार है, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये हमारा अभी बेसिकली देवजी सर आ गए, उस समय मैंने आपको दिखाया था, देवजी सर नहीं आए थे, अभी वो सर आ गए, एंड ही इज आवर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ कहाँ से क्या क्या कंट्रोल करते हैं, एंड सब कुछ नहीं दिखाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू भी हो जाता है। एंड ये हमारे सर है पंकज सर, हेलो सर। सर अपना मार्क्स तो बहुत भल लगी से दे मेड इन चाइना नहीं की अच्छा तो ये हमारा आप देख सकते हैं, ये हमारा लैब है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 से ज़्यादा 40 नहीं बोलूँगा, 40 से तो ज़्यादा ही है एक्चुअली, मैंने कभी गिनती किया नहीं। एंड ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये बैक साइड में बैठते हैं एंड वो गेम खेलते हैं, और उधर से देवती सर देखते हैं और फिर गाली करते हैं, वही बात। तो ये हमारा सी ब्लॉक है, जो कि रास्ते के उस पार है, जो अगर कौन सा रास्ता बोलने से RG बोरवा रोड। और मैं एक्चुअली सोच रहा था सारा कॉलेज कवर करने की, बट डिपार्टमेंट सब खुले नहीं है, इस वजह से मैं कवर नहीं कर पाया। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।